गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। अज अहीं जी चले आ जबल अली गुरद्वारा साहब ते मंदिर मत्था टेकने के लिए। क्या मसला जी? मैं है गुरजीत सिंह और आप हैं विष्णु देव मिश्रा। तो चलिए अभी चलते हैं, साथ में रहेंगे और आपको अपडेट करते हैं। पंजाबी और हिंदी में बनेगा वीडियो। क्यों भाई मिश्रा जी, ठीक है ना? सही है। ते अहीं निकल चले हाँ अलकोज ग्रैंड मॉल तो मेट्रो स्टेशन वाल नूं। बने रहो वीडियो च, मिलते हैं जी मेट्रो स्टेशन जाके। हाँ जी, पहुँच गए हैं अहीं लगभग मेट्रो स्टेशन के बगल में पहुँच गए हैं। और यही लाइन है मेट्रो का और बगल में शेख जायद रोड है। मिश्रा जी, आप पहली दफा जा रहे हैं मंदिर में? हाँ, पहली दफा जा रहे हैं। चलिए आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी जाने का सौभाग्य नहीं मिला था, आज पहली बार जाने का सौभाग्य मिल रहा है। ऊपर वालों से दुआ करेंगे, वहाँ रहेंगे तो जब जब वो बुलाएंगे तब तक हम दर्शन करने जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा बात है मिश्रा जी, आप जाएंगे ना मिश्रा जी, देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा भगवानों का अलग अलग ऐसे मूर्ति है, सब भगवान का है, तो आप दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आज छुट्टी था तो सोचा गया कि भाई चल के दर्शन करें। देखिए, आदमी के अंदर अगर जाने का चाह हो ना, हाँ, आदमी कुछ भी करके चले, मौका खुद बन भी जाता है। फिर वेदर काफ़ी अच्छा है, अभी दिसंबर का महीना है तो मौसम जो होता है दुबई का गर्म वैसा तो नहीं है, नॉर्मल ठीक मौसम है। लीजिए मिश्रा जी, पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन। ये है इक्विटी मेट्रो स्टेशन। तो अभी चलते हैं मेट्रो में, मिश्रा जी कार्ड भी लेंगे और फिर निकलते हैं। सफाई कैसा मिश्रा जी अपना? दिल्ली में मेट्रो स्टेशन जो है उससे कहीं ज़्यादा सफाई है यहाँ पर, वहाँ भी है लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है। चलते रहिए, अब चलिए चलते हैं, आराम आराम से चलेंगे। हाँ जगह। आप पहली दफा? हम तो पहली दफा है ना दुबई में, तो दुबई में पहली दफा मेट्रो का आनंद लिए। इसके पहले तो हम दिल्ली बॉम्बे, बॉम्बे में मोनोरेल का भी आनंद लिए हैं। अपना इंडिया में भी हर चीज़ है भाई, है ये है वहाँ सब चीज़ है। अब यहाँ मोनोरेल है, दिखता है वहाँ मोनोरेल भी है, इससे ही चलता है, अच्छा लगता है मोनोरेल। आपका मोनोरेल हम बैठे थे कहाँ? अपना टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है ना, उस तरफ में मोनोरेल चलता है। अच्छा मिश्रा जी, मान लीजिए कोई एक नया आ रहा है आदमी यहाँ दुबई में काम करने के लिए, और वो पूजा पाठ वाला आदमी है, तो अब उसके लिए वो उसको मतलब कुछ अजीब नहीं है कि वह पूजा पाठ भी करना है और काम भी है, तो फिर उसका आप क्या बोलेंगे, कैसे? अभी तो दुबई सरकार ने यहाँ सभी धर्मों के लिए एक जगह पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब बना दिया। अभी तो छुट्टी के दिन हम यही कहेंगे जो भी है आराम से यहाँ आ सकते हैं, मेट्रो की भी सुविधा है, आराम से यहाँ आ सकते हैं और आके अपना भाई जो धर्म वाले हैं उस धर्म के स्थान पे जाके अपना
जो करना है पूजा पाठ अर्चना कर सकते हैं। ये तो दुबई गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये है कि भाई सभी धर्मों का एक ही जगह पे समावेश कर दिया है। हर आदमी, हर तरह का आदमी आ सकता है यहाँ पे और अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा में जा सकता है। बहुत अच्छा बात बोले मिश्रा जी। जैसे कोई नया आदमी आएगा तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, देखिए आदमी लोग जा रहा है, पब्लिक बहुत पब्लिक जा रहा है, देख के भी आदमी जा सकता है कि यहाँ हमको यहाँ जाना है। और ये देखिए 1 किलोमीटर होगा वहाँ, सब आ रहे हैं 1 से 1.5 किलोमीटर। आदमी दिन भर चलता ही है तो कोई ये नहीं। यहाँ पर हमको लग रहा है कि अभी क्रॉस करता ना एक ब्रिज बनवा देगा, देखो अभी बना देगा तो फ्यूचर में हमको लग रहा है ऐसा फ्यूचर में बन जाएगा। पब्लिक इतना आ रहा है, जा रहा है, देखेगा। हाँ मतलब रोड क्रॉसिंग है ना, दो रोड क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ की ड्राइविंग भी बहुत फास्ट है, ब्रिज बनाना चाहिए ताकि दर्शन करने जो भी आए, आदमी जो भी आए यहाँ की सुविधा में। चलिए हम लोग भी कर लिए हैं, गाड़ी नहीं है कोई रोड में, और चलिए अब जाके सीधा अभी गुरुद्वारा और मंदिर में जाके आपको दर्शन करवाते हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छा लग रहा था वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए क्योंकि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है और अच्छा एक कंटेंट लेके हम लोग आए हैं। देखिए देखिए जहाँ तक नज़र जा रहा है रमल रमल ही दिखेगा आपको वो तो है ही है रमल दुबई में। अच्छा मिश्रा जी, अब एक चीज यहाँ पर हम पूछेंगे, आप जब फर्स्ट टाइम दुबई आने वाले थे तो आप क्या सोचते थे, दुबई में कैसा माहौल है, कैसा वेदर है, क्या था आपके मन में? हमको तो बहुत लोग बोले कि दुबई में बहुत गर्मी पड़ता है, लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम चला अपना मुंबई जैसा है, मुंबई का माहौल जैसा है, सेम दुबई लगा। अच्छा ऐसे लगा, मुंबई से डिफरेंस नहीं है। जो आदमी मुंबई रह चुका है दुबई में आराम से रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एकदम मुंबई के जैसा ही यहाँ का माहौल है, टेम्परेचर उतना ही है जितना मुंबई में आपका रहता है। चेन्नई का तो डिफरेंस है, चेन्नई में बहुत गर्मी पड़ता है। अच्छा मुंबई का, मुंबई जो है ना, मुंबई का और दुबई का एकदम सेम वेदर है, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं। हम तो मुंबई भी 10 साल गुजारे हैं और अभी 2 साल यहाँ होने जा रहा है, थोड़ा भी हमको ये नहीं लगा कि मुंबई से अलग है। अच्छा। सेम लगता है कि बस समझिए मुंबई ही है, हमको नहीं लगता कि हम दुबई, हमको तो लगता है कि हम मुंबई में ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए अभी आगे जाके दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। ये बाजू में अपना सिख जी पाजी लोग का गुरुद्वारा भी। यहाँ मंदिर, इधर गुरुद्वारा, उधर निशान साहिब झूल रहा है, इधर भी भगवा झंडा ऊपर में झूल रहा है मंदिर। पहले तो मिश्रा जी ये एरिया पूरा भर जाता था यार ट्रक ट्राला से, अभी पता नहीं इधर में रोक लग गया होगा, गाड़ी नहीं अभी पार्क करने देता है, गाड़ी पार्किंग के लिए मना हो गया होगा। देखो इधर पार्किंग है पूरा रोड पे, पूरा गाड़ी भरा हुआ, नो पार्किंग जी दर्शन करके लगा, बहुत बढ़िया आके लगा। समय मिले जब भी आदमी तो यहाँ आना चाहिए, कम से कम धर्म स्थलों पे आने के बाद क्या होता है कि आदमी के मन को शांति मिलता है, आत्मा संतुष्ट होता है। थोड़ा बहुत आदमी को धर्म पे भी ध्यान देना चाहिए अपने अपने भाई, जो भी जिस धर्म का है उस धर्म के लिए अपना थोड़ा समय निकाल के अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब में जिसको जिसको जहाँ भी है जाना है जाना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए अपने लिए, पूरा दुनिया के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बहुत अच्छा, विश्व का कल्याण। लेकिन चलिए हम लोग आए, दर्शन हो गया, ऐसे ही हर आदमी को हर निकाल के और बार बार आने का आदमी प्रयास करे। काफी अच्छा लगा आके, शांति मिलता है बैठने पे, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा सब चीज बनाया, बहुत अच्छी चीज है, हर जगह आपको मतलब मिलता है। ये नहीं आपको लगे कि हम कहाँ जाए, कहाँ प्रार्थना करें, कहाँ प्रेयर करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बहुत अच्छा है लो बना दिया।
रहेगा, दुबई गवर्नमेंट को बहुत बढ़िया काम तो किया। आना बहुत आसान है, आदमी आ जा सकता है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं ठीक, दूसरा वीडियो में ठीक। अभी फिर इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और कैसा लगा हमारा वीडियो, हम लोगों का जो मंदिर में मत्था टेकने आए थे गुरुद्वारा में, तो आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो बस दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, बाय बाय। चलिए मिश्रा जी, बाय बाय कर दो फिर।